ट्वेंटी ट्वेंटी ओके एंड ट्वेंटी टू बैच के लिए ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का ये राउंड चल रहा है ओके सिक्सटीन क्वेश्चन पर हम इस समय एसरसन कहता है एसरसन सेट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द स्टेट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस The state had to play an extensive role in promoting the industrial sector. Okay, reason says Indian industries industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy, nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects, even if they had the कैपिटल टू डू सो एसर्सन ए एंड एसरसन आर आपके सामने है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज और फॉल्स एट ऑफ इंडिपेंडेंस द स्टेट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज और फॉल्स बोलिए सिक्सटीन ट्रू साबास नेक्स्ट रीजन क्या कहते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी यहां तक सही लग रहा है गलत लग रहा है बताओ बोलो टेल मी अंडरलाइन पोर्शंस या कह लो जो पोर्शन पहला पार्ट है इसका ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडियन इंडस्ट्रियस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है बोलिए बोलो बेटा बोलिए ट्रू लग रहा है ना शाबाश हंड्रेड परसेंट ट्रू नॉर वॉज द मार्केट बिग एनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रिय टू अंडरटेक इवन इफ हैड द सो अगर उनके पास कैपिटल होता भी तो मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इनकरेज किया जा सके मेजर प्रोजेक्ट लेने के लिए यह सही लग रहा है गलत लग रहा है बोलिए लग क्या रहा है है क्या छोड़ दो लग क्या रहा है ये बताओ वेरी गुड साबास। तो बोथ आर ट्रू तो हमारे आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ठीक है ये मान के चलो कि एसर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन आपके दिमाग की ओवर करा देंगे करेक्ट ना बोलो भाई ओवर हो रही है कि नहीं हो रही है हाँ शबाश ये बच्चे भी ट्रुथ बोलते हैं ना हम लोग हम लोग बहुत मिसिंग तुम लोग मिसिंग बैच के बच्चे हो मतलब हम लोग ने एक दूसरे को ठीक से समझा भी नहीं कल करिश्मा क्लास में आई और मैं इसको बोला कि आपका नाम क्या है मैं इसी क्लास में हो चेहरा भी नहीं याद है कुछ नहीं याद है मंजू मैडम ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था मैं खूब देर तक हंसता रहा अभी भी हंसी आती है बोला कि ऐसी स्थिति हो जाती है सर क्या बताएं कि जब मैं सोच रहा सोच सोच रही हूँ कि कोई और बच्चा है और जब मास्क हटाते हैं तो कोई और निकलता है <laughs> और मुझे बड़ा आ, सही अब बात भी सही है चलो तो सेवेंट कल करिश्मा के साथ इसलिए हो गया ये वाक़ वास्तव मेरे में साथ घटित हो गया चलिए एस क्या ये कहता है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 तो हमारा ये सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी था ना बेटा Resolution? पहला तो नाइनटीन फोर्टी एट में आया था ना ठीक है तो अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सिक्स द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दो इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड है कंप्लीमेंट्री टू दो पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे और रीजन क्या कहता है द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकॉनमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स लेड टू द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी ओके एसरसन सेज एंड रीजन क्या कहता है एसरसन और रीजन के बारे में वट इज योर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सिक्स द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ओके कंप्लीट कंट्रोल हैव द कंप्लीट कंट्रोल वाइटल फॉर द इकोनॉमी द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दो पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे कहता है ठीक है पहला आप विचार कीजिए 17th के एसरसन पार्ट पर व्हाट एसरसन पार्ट सेज इज करेक्ट और फॉल्स एसरसन इज ट्रू और फॉल्स फर्स्ट विचार करें एसरसन रिपीट करें अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में हुआ था ये तो मालूम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक रिजोल्यूशन तो 1956 में हुआ था ये सही है वुट हैव कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी वो हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर था ठीक है पब्लिक सेक्टर को प्रोमिनेंस दिया गया था थ्री कैटेगरीज बनाया गया था ना बेटा याद आ रहा है पहला पब्लिक सेक्टर दूसरा पब्लिक प्लस प्राइवेट ठीक है और जो बच गया वो प्राइवेट ये तीन मॉडल थे ना हमारे पास बोलो भाई बोलो बच्चों बोलो बेटा लोगों बोलिए अर्जुन अभिजीत रजत आयुष और करिश्मा यही बच्चे थे हमारी क्लास में शायद बोलिए बेटा व्हाट यू से वेरी गुड ओके रीजन वॉट इट्स इज द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइंस लेड टू पॉलिसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकॉनमी ये सही है बोलिए रीजन इज एक्स ट्रू और फॉल्स बोलिए ये बेटा बताइए सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी से इज दैट देयर शुड बी द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जो पब्लिक सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था दिस कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम और टेकन फ्रॉम यू एस एस आर कहाँ से लिया गया था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जहाँ पर पहली बार प्लानिंग के द्वारा प्लानिंग कमीशन 1928 में आया एंड फ्रॉम देयर देयर अ अल द रिसोर्स द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जिस पर अधिकार होता है हम उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर ठीक है पब्लिक स्कूल से कन्फ्यूज मत हो जाना वो तो पैसा लूटने का एक साधन है प्राइवेट स्कूलों का नाम दे दिया पब्लिक ओके okay? यहाँ पर दूसरा सेंस है वहाँ पब्लिक चूंकि पब्लिक आती है पढ़ने के लिए उनके बच्चे आते हैं उसमें पब्लिक नाम दे दिया पब्लिक सेक्टर ओके okay? तो 1920 पब्लिक सेक्टर ओके okay? तो ये कहना कि सोशलिस्ट लाइन पर काम करने से थोड़ा तो गजमज हो गया यू अंडरस्टैंड द गजमज ये नोट कर लिया ना ठीक है ये तो रिकॉर्डिंग भी हो ही रही है ओके okay? तो ये हमारा तो सोशलिस्ट पैटर्न जो है ये जो सोशलिस्ट पैटर्न है बाकी को भी हटा ही देते हैं ठीक है बहुत फ्रेश नहीं लगेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा ओके तो जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो तो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कहता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है ठीक है तो हमारा क्या ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो क्या हो गया हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स तो ये हमारा सी ठीक है तो ये हमारा क्या हुआ सेवेंटीन का आंसर क्या हुआ ये सी हो गया करेक्ट ना बोलो भाई पॉइंट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन से अब ये लास्ट क्वेश्चन हम कर ले बेटा कि ट्वेंटी तक पूरा कर ले ट्वेंटी पूरा कर लेते ना ओके चलो एक टारगेट थोड़ा सा रखना चाहिए तो चलो एटीन क्वेश्चन है हमारा एसरसन कहता है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 नो न्यू इंडस्ट्रीज वाज अलाउड इन द प्राइवेट सेक्टर अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑप्टेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ओके रीजन कहता है आई हैज पॉलिसी आई आई हैज ए पॉलिसी क्या लिखा ओके दिस रीजन कहता है This policy was used for promoting industries. In backward regions, it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at a lower tariff. बताइए ये दोनों ट्रू है ना करेक्ट ना बेटा वेरी गुड शाबाश तुमने मेरा समय बचा दिया तो मतलब अगर दोनों ट्रू है तो हमारा क्या हो गया आंसर ये ए, ए। वेरी गुड शाबाश करिश्मा तू तो पहले रेगुलर क्लास आती तो कितना अच्छा लगता बोल भी रही है मुंह भी खोल रही है वर्षा है क्लास में बेटा वर्षा भी है क्लास में मुझे भी याद आया कि वर्षा भी है क्लास में थी आई डोंट नो है क्लास में कौन कौन है करिश्मा है और देखते हैं दो जगह वर्षा है।, वर्षा है अर्जुन है आज तो आ, अभिजीत बिल्कुल तुम साइलेंट मोड में हो बेटा अर्जुन पहले थोड़ा सा एक्टिव थे अब साइलेंट हैं और रजत बिल्कुल बोले नहीं और वर्षा बिल्कुल नहीं बोली है रजत थोड़ा 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 बोला है वर्षा बिल्कुल नहीं बोली हम वर्षा के गले में थोड़ी खराश होगी हो मुझे लगता है वर्षा एम राइट ना बेटा वर्षा वर्षा हो वर्षा हो बेटा वर्षा वो लगता नहीं है वो लगता है नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एसरसन से स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज जनरेट मोर देन लार्ज स्किल इंडस्ट्रीज अभी कल राहुल राणा ने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को ठीक है क्वेश्चन नंबर रीजन कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो गिवन कंसेसन सच लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट बताइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बहुत क्विक बोलिए 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 बेटा जी बोथ आर ट्रू ए फॉल्स है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोलिए एक बच्चा मेरा कह रहा है कि बोथ आर ट्रू एक कर, कह रहा है कि ए फॉल्स है फाइनल डिसीजन क्या लिया जाए बाकी बच्चे आप लोग भी पार्टिसिपेट करो बेटा बाकी बच्चे भी बोल दो इसमें तो अच्छा लगेगा ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोलिए बोलिए बोलो बेटा द स्मॉल स्के इंडस्ट्रीज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये देखो ये तो बिल्कुल ट्रू है बेटा इसमें तो कोई दो नहीं है अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल ट्रू है अब आते हैं रीजन पर आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर आल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट देखो ये भी ट्रू है करेक्ट ना किसी ने बोला ना दोनों ट्रू है ठीक है दोनों ट्रू है तो आंसर क्या होगा बोलो दोनों ट्रू तो है ठीक है लेकिन क्या ए को एसरसन को ये सिग्निफाई सॉरी 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 सिग्निफाई करता है नो सर यस तो आंसर क्या होगा नाइनटीन का नाइनटीन का आंसर क्या होगा बोथ एसर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन ए मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया नाइनटींथ का आंसर क्या हो गया दैट इज बी ओके पॉइंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज डिस्कशन एसर्सन ओके एसरसन ए कहता है टैरिफ एंड कोटाज इंक्रीज इंपोर्ट्स टैरिफ एंड कोटाज इंक्रीज इंपोर्ट्स ओके रीजन कहता है द इफेक्ट ऑफ टैरिप्स एंड कोटाज इज दैट देर रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स एंड देयर फॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फॉर्म्स फ्राम द फॉरन कम कॉम्पिटिशन बताइए यस एसरसन बिल्कुल सही कहा आपने टैरिफ एंडो यही ये तो सही है ना ये तो अपने आप में स्टेटमेंट सही है करेक्ट ना ओके okay. तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है इसका आंसर क्या हो गया डी ना ओके okay. ठीक है ठीक है डी थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग एंड इसी तरह मैं कभी भी क्लास अगर लिंक भेजता हूं दो बच्चे भी आ जाओगे ना तो मैं पढ़ा दूंगा उन नादान बच्चों से जरा समझा दो बेटा कि मैं अपना कितना वैल्यूबल टाइम निकाल रहा हूँ उनके लिए मेरा कमिटमेंट है कि मैं हंड्रेड परसेंट रिजल्ट दे दूँ लेकिन जब तक बच्चे नहीं चाहेंगे सुजल नहीं है सूरज नहीं है अनुराग नहीं है ठीक है और श्रेया अवस्थ श्रेया अवस्थी है श्रेया प्रभाकर है है ना ठीक है श्रेया प्रभाकर ये ट्वेल्थ टाइप के बच्चे हैं जिनसे मुझे बहुत डर लग रहा है इसी तरह हमारे जो ट्वेल्थ डी के बच्चे हैं हमारे जो बच्चे हैं तो उनको आना चाहिए उनको बच्चा डियर स्टूडेंट्स जस्ट कन्वे माई मैसेज अगर उनसे बात हो तो उनको जरूर कन्वे करो बेटा कि ये बहुत ही स्थिति ख़राब हो जाएगी उनकी और हम हम मतलब हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट खराब होता है तो दूसरे बच्चे अच्छा करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के टीचर इन्जॉय करेंगे मेरा चेहरा थोड़ा डाउन हो जाएगा जिससे लगता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था <laughs> हाँ खैर चलो ठीक है बेटा हैवे नाइस डे